देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर से वापस नौ मंडी। इधर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज आप लोगों का जर्नी कैसे रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आज वापस जा रहे हैं, कुछ यहाँ का यात्रा लम्बा कुछ बोलना चाहेंगे? ये दीदी बोलिए। तीनों में से कोई तो बोलिए या तो एक साथ बोलिए। बोलिए आप लोग। आप इतना दिन इधर में रहे, फिर अभी गांव जा रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। जितना भी उधर सीख के, मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, और दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, नहीं। बोल दीजिए, दर्शकों को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो। और दीदी आप कुछ बोलना चाहिए? कैसे रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा है। अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है उसके बताइए। और आप, आपको कैसे रहा? बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत कुछ सीखे, रॉक क्लाइंबिंग किए और फिर बहुत कुछ किए, ऐसे एक्टिविटीज जो कि कभी नहीं किए थे। बहुत अच्छा लगा जाके अपने दोस्तों को बताए कि ऐसे किए, ऐसे किए, ये सीखने को मिला। और बताते जी आपको कैसे लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा कहाँ लगा? अच्छा, ये बने रही है, हम लोग सबसे परिचय लेते हैं जितना जान रुक गया है। हेमान जी, ओ हेमान जी कुछ बोलिए, दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? आज अपन सर रिटर्न जा रहे हैं, लग रहा है रिटर्न जा रहे हैं। और हेमान का पीछे देख सकते हैं सुभांशु। दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे लगा आप यहाँ आके? पूरा मजा, पूरा मजा। और सवाल बादल जी, थोड़ा दर्शकों को अपना चेहरा दिखाइएगा थोड़ा। हाँ, तो फिर आपको यहाँ का कैसे अनुभव रहा, कैसे लग रहा है? जा आ गया भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को भी आना है तो हम लोग को कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जरूर आपको भी लेकर आएंगे। क्या दिखा सकते हैं यार, दीदी लोग बैठे हैं। तो आप लोगों का जाने कैसे रहा? बड़े मजे से बीते जी। और घर की ओर वापसी हो रहे हैं, सफर मस्त रहे, आप लोगों का भी दिन शुभ हो। और दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कैसा रहा आप? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बोलो दीदी, और आप जी कैसे, आपको कैसे रहा? बोला कुछ है? और आज घर को जाओ घर जाए कोई कौन पाइब पचारि में जदि तुम से कमती लगला रही किसी शीघ्र आसल पचार में तो किसी कहब कहवा बहुत अच्छी लेकिन नहीं होछि ना। ठीक अच्छे, दर्शक बने रही है, सबसे आप लोगों को जान परिचय करा दे रहे हैं। दीदी जी यहाँ बैठे हैं, ये किरूर के हैं। तो दीदी आपका नाम बता दीजिए। और आप कैंपिंग, तीन दिन कैंपिंग करके बहुत ही अच्छा लगा, और एक दिन हम लोग कुछ नया नया सीखे, कभी पत्थर चढ़े गए पानी में, बोटिंग कर रहे इस तरह से, तो बहुत अच्छा दिन बीता। दर्शकों क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? कि हाँ, आप लोग कोई भी एडवेंचर का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटिए, और हमेशा हाँ बोलिए, यही है। ठीक है। और इधर हेड्रिक जी, आप? मेरा नाम बॉक्सर हेड्रिक है, और हम अभी जा रहे हैं नौ मंडी, आए थे टाटा टुमुंग। तो सब लोग एडवेंचर करते रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, जोश में रहिए कि सब होगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सर थैंक यू। ठीक है, बने रहिए। इधर राजू जी, राजकुमार जी, और दशा में कुछ बोलना चाहेंगे दशक? दशक को बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए जरा। दशा में जो कैंपिंग का तीन दिन का, तो उसमें हम लोग आए थे 37 ऐसे कुछ आया था समथिंग। तो हम लोग जो भी किया था बेसक की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग को ये मौका देके बहुत ही अच्छे किए। और नेक्स्ट बार भी अगर ऐसे कुछ किसी को मिलता है तो ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है छोड़िएगा मत, बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही इंजॉयमेंट है, ठीक है बने रहिए। और आज मेरा नाम जीतू नायक है और अभी हम लोग टाटा स्टील जीआरडी ग्राउंड में हम लोग जो रात भर सोए हुए थे। फिर तो फिर और कैसे अनुभव रहा जो इतना तीन दिन का सफर था? तीन दिन का सफर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ भी किए ठीक है, बने रहिए तुम्हें। और इधर कुछ बता रहे हैं भैया, आपका नाम? बहुत अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम है सोनाली पान, मैं फिलहाल तो नामुंडी की रहने वाली हूँ। अब कहाँ रहूँ पता नहीं, जाता पता नहीं, जंगल में कभी भेज देता है कभी गुफा के अंदर, कहाँ कहाँ भेज देता है। काफी निराश है या खुश है यहाँ आके? बहुत खुश है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का। अरे जज्बा कभी कम नहीं होगा। ठीक है बने भाई, हम लोग पार्टी है, सेटिंग हो रहा है। मनोज भाई मेरा दुख कोई नहीं समझ रहा है, आपका सेटिंग है लेकिन मेरा कोई सेटिंग नहीं है कोई भी। अच्छा वो अच्छा ठीक है, आपका सेटिंग है कोई मतलब खुला वाला फंका हुआ है तो थोड़ा पता में थोड़ा ढूंढ दीजिए। दर्शकों इनका कहना है कि जितना भी आए हैं सबका जोड़ी बना रहा है, इसको भी खराब अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये आप लोग कुछ कमेंट करके बताइएगा इसका दुख दर्द, जो सिंगल है बेचारा है मनोज है ना, मनोज है हम बेचारा, या तो इनके नाम में पानी उन्हें डालिए, दुआ कीजिए किसको भी कोई मिल जाए। ठीक है बने रहिए हम लोग ब्लॉग में। और भैया आपका क्या नाम है? और कैसे रहा जर्नी आपका? अच्छा रहा, यही तो फेस करना पड़ा। क्या बोले और दर्शकों क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मतलब जिंदगी में जितना ही मुश्किल होता है उसको अगर फेस करोगे तो मतलब आसानी से उसको पार कर सकते हो, अगर उसको फेस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पार कर सकते हो। चलिए ठीक है बने रहिए हम ब्लॉग में। और इधर आपका नाम बताइए? मेरा नाम जयंती है। जयंती क्या? और जयंती गौर जी आप आए कैसे लगा इधर, किए हैं एक्टिविटी? बहुत मस्त लगा, मस्त लगा, मस्त पूरा पहाड़ों में चढ़ना, बहुत मजा आया। बोटिंग वोटिंग की है, जमशेदपुर पूरा घूम लिए, बहुत मजा आया। आप देख के ही समझ सकते हैं कि अगर इधर यहाँ एडवेंचर में आए हैं एक्टिविटी किए कितना इंजॉयमेंट रहा होगा तभी इतना। बहुत ज़्यादा ठीक है मैंने अभी। और इधर रानी जी कैसे रहा आपका जो तीन दिन का जो था प्रोग्राम? तीन दिन का टूर तो इतना मस्त था कि हमको भी जाने ही नहीं मन कर रहा है, लेकिन क्या करें जाना तो पड़ेगा। आज आप आपको आज फिर वापस जाना पड़ रहा है? हाँ तो क्या करें, क्या कैसे किसे मतलब क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को, आपको कैसे लग रहा है अगर वापस जा रहे तो? बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है, हमको जाने नहीं मन कर रहा है। अच्छा चलिए, आँख से आँसू नहीं है लेकिन अंदर अंदर दुखी है, रो रहे हैं बता रहे हैं लेकिन जब रो ही रहे होंगे अंदर में, आंसू नहीं निकल रहा है। ये इनका खूबी है, रोते भी हैं आंसू भी नहीं निकल रहा है, ये अपना अपना खूबी होता है। चलिए बने रहिए और हम लोग अभी मिलते हैं। आपका क्या नाम है? तो माँ को हिंदी खोब ना उड़िया खोब? अच्छा अनुपमा कौन बेंगोली कह भी आमना के लगुच तीन दिन दिन जो होला तुम आसी कौटे सब तो भल लगे दर्शकों को किसी मेसेज देव? हाँ हाँ मतलब किसी कह मतलब मेसेज कह मतलब कि तुम्हें जो आसब तो किए फायदा ही तुम किसी भी एमान को एंजॉय कर लाइफ ने तो एंजॉय ठीक अच्छे। अनुपमार अनुपमा कौन कि लाइफटा चार दिन अच्छे मतलब जो मौका मिलूँ इंजॉय कर तर कह मतलब अच्छे ठीक मन रही देख सकते हैं। कुछ अपना परिचय? सुमित बालमुचू जी, सुमित बालमुचू से। और कैसे रहा आप तीन दिन का जो सफर? बहुत ही धमाकेदार मजेदार
यादगार भी रहा। अच्छा, यादगार पलों में से एक हो सकता है। अच्छा, इस 3 दिन के इस सफर में कुछ नए दोस्त मिले, नए जान पहचान बने, टीम वर्क का एक सीखने का मौका मिला। कि जब सीखने आए थे, इससे पहले एडवेंचर हम किए थे, लेकिन ये फास्ट होता है, जिस प्रकार से गुप्ते में जाते हैं तो अंधेरे का सामना करना पड़ता है, रास्ता पता नहीं होता है। इसे टीम वर्क जो आगे लीड किए रहते हैं, इसके सहारे हम रास्ते को खोजते हैं, उसके सारे रास्ते को पार करते हैं। ये सब अनुभव के साथ रहा। और अंतिम क्षण में तो ये कहना चाहूँगा, शायद ये पल दोबारा आए ना आए, लेकिन जिंदगी का हर पल तो खुशी के साथ, मुझे के साथ बिताना। क्या बात कही है, आपने सुना होगा। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और आपका परिचय? मेरा नाम संतोष बोलूँगा। अच्छा, और अभी हम लोग आउट ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग 3 दिन के लिए आए थे यहाँ तुम में। और और आज जो आप जा रहे हैं जीआरडी से, तो फिर यहाँ आपको आपका अनुभव कैसा रहा जो 3 दिन का? 3 दिन का मेरा अनुभव अच्छा ही रहा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों? दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं 3 दिन ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा हूँ। जैसे कहीं पहाड़ में अगर चढ़ते हैं, तो पहाड़ को चढ़ते समय पैर को कहाँ रखना है, हाथ कैसे रखना है, उसका एक नया टेक्निक। मतलब यहाँ अगर दर्शकों का यही है कि अगर यहाँ कभी आप आते हैं तो बहुत कुछ आपको जिंदगी से जुड़ा सीखने को मिलेगा, है ना? चलिए ठीक है, ज़्यादा देर लेट नहीं कर रहे हैं, भोजन और भी लाइन में है। और मैम मस्कल जम्पिया, और अभी जमशेदपुर से घर जा रहे हैं ना, तो फिर सबसे अच्छा सा यादगार पर अगर आप कहाँ गुजारे हैं जो हमेशा याद रखेंगे? 3 दिन का बहुत ही मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? पानी में बहुत मज़ा ही आया। अच्छा, पानी में कैसे मज़ा आया? एक तैरने का, उसके बाद बोट चलाने का, ये मतलब तैरे हैं, बोट चलाए हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट रहा इनके बोट, है ना? चलिए ठीक है, बने रहिए दर्शकों, और से मिला रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम वैशाली पात्र। कैसे लगा आपको यहाँ आके? अच्छा लगा, 3 दिन का प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखे हम लोग, टीम के साथ रह के कैसे मैंने काम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और अभी अच्छा नहीं लग रहा है, सबको छोड़ के जा रहे हैं, नए दोस्त बने, बहुत मजा किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, चले। हाय, मेरा नाम अभिता है। हम लोग यहाँ टूंग आए थे, हम लोग रॉक क्लाइंबिंग किए, फिर डिमा में आए, फिर स्विमिंग किए, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए हम लोग, एक दूसरे को किसी को नहीं जानते थे, पर हम लोग समझे, बहुत मज़ा आया। अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है जाने का, सबको मिस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, चलिए। और आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम गोप है, मैं टाइम से हूँ और बाद में। चलिए ठीक है, ये आप बहुत बिजी हैं, गेम खेल रहे हैं, बने रहिए। आपका परिचय? विमल नाम है। विमल नाम है। और कैसे रहा आपका? बहुत अच्छा, वैसे भाई बार भैंस चला रहे हैं, और खाना खुरा तो नहीं दिया है, कब दिया खाना खुरा, आज नहीं किए। और मज़ा आया कि नहीं 3 दिन का? जो मज़ा है, जो ही बहुत आया है, वो तो हम बोल रहे पाएगा जिंदगी भर, जो हुआ है यहाँ बहुत मज़ा, सुपर हिट। परिचय? कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे रहा आपका जाने? नमस्कार, मैं हूँ अरमल चतुम्बा, BS ऑफिसियल का पर्सनल सिंगर हूँ। और हम जो एक सोच रहे थे कॉलेज के समय से कि कहीं हमको ऐसा ट्रेनिंग मिले जो कि अपने जीवन में जो चल रहे खतरे को कैसे सामना करें, तो आज वो सपना पूरा हुआ। और जो सपना था एक पहाड़ पर्वत, जो ये हमारे गांव और गांव के चारों ओर होता है, तो इस जो डर होता है, हम लोग पता नहीं चलता कि हम ये देख के डरते हैं,
इसी के कारण जो गांव एरिया में हम लोग का काम जो है सक्सेसफुल नहीं करते और पीछे हट जाते, इसी के कारण हम भी खुद पीछे हो जाते। लेकिन आज जो हम लोग आए हैं और आज तो लास्ट दिन है, हम लोग वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज सिखाया है कि एक डर जो है सामने रहता है, उस डर को कैसा भगा के उस खतरे को सामना करना है। और जो कोई भी हो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया और ये टाटा स्टील फाउंडेशन एडवेंचर तक लेके आया है और सिखाया, इसको मैं तय दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि और ऐसा कहीं ट्रेनिंग होगा तो हम जाए। और बहुत पहले से सोचे थे लेकिन बहुत कोई ने हमें ये बोला कि जिसका रनिंग नहीं है तो चलिए वहाँ नहीं जा रहा है, समय को देखते हुए चलिए। बहुत कुछ आपने मैसेज दिए हैं दर्शकों को, ठीक है, कि आप लोगों को मौका मिले तो जरूर आइएगा, ठीक है, चलिए बने रहिए। सबसे पहले तो जोहार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिल्लू हेमरम और मैं गुंडीजड़ा गाँव नॉमंडी ब्लॉक से आया हूँ। तो आगे क्या बताना है? कैसा रहा आपका जो तीन दिन का जो था, तो कैसा गुजरा आपका? ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, मतलब क्या कुछ थोड़ा रहा, अनुभव कैसा रहा और खुशी लगा, खराब लगा, अच्छा कुछ भी थोड़ा बताइए दर्शकों को। ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि बहुत लोग बोल दिए कि हम लोग वहाँ तुम जाके बिना जाके, अच्छा अनुभव कैसा रहा? अच्छा तो लगभग सबको का ये सब कोई वही रहा है ना, सेम ही रहा सब, मतलब बस इतना ही कहना चाहूंगी। हम लोग जब भी बाहर जाने का मौका मिले, बाहर अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम लोग निकलना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, छोड़ना चाहिए, उसमें हम लोग अलग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। चले ठीक, चले बने रही आप, चलिए मिलिए आपका परिचय। मेरा नाम बानी पिंगुआ है और मैं जुजुगंज से नामुंडी से, और बस आए थे, आप जा रहे लौट रहे वापस घर हम लोग, वैसे तो मेरा गला खराब है, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ चलिए, हम भी ज्यादा सवाल नहीं करेंगे आपसे, जितना जो आए हैं सबको यही बोला कि बहुत अच्छा लगा। अब दर्शकों क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर यहाँ अगर कोई आना चाहेगा इस टाइप का, तो फिर आप क्या आना चाहेंगे, कैसे रहेगा? वो लोग को ज्यादा से आना चाहिए और बाहर जब आउटसाइड जाते तब हम लोग को ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, घर एरिया में कुछ नहीं रहता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, अपने आपका हुनर डर भगाने का मौका मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा आए और इंजॉय करें आप लोग भी आके कभी ना कभी। चलिए चलिए सर जी, आप सभी को अपना परिचय दे दिए हैं, अब हम लोग का जो सर हैं वो अपना अनुभव बताएंगे कैसा रहा और कुछ मैसेज देना चाहेंगे। सर बाय बाय, बहुत अच्छा, ये आउटडोर लीडरशिप का तीन दिन का ट्रेनिंग कैंप था जी, जिसमें जो ना हम लोग को तुमुंग हाता जमशेदपुर में आना था, और ये तीन दिन का ट्रेनिंग जो है ना काफ़ी अच्छा रहा, सीखने को मिला, इसको यही कर देना सुमित, तीन दिन का ट्रेनिंग कैंप सबके लिए लर्निंग था, जो कि ये अपने जीवन से जुड़ा हुआ हर पहलू में, हर कदम, हर स्टेप में जो है ना हमको ये सीख जो है ना लीडरशिप बनने का हमें मौका देती है। और ये ट्रेनिंग हम अपने ट्रेनिंग कैंप के बच्चों को सिखा सकते हैं और अपने घर परिवार में हम ये ट्रेनिंग जो है ना हम अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप को लेकर बहुत जोर दिया गया है जो ट्रेनिंग में, तो इसमें लीडरशिप को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जी? ये लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में जो है ना यही मैसेज हम देना चाहेंगे कि इसमें जो है ना सबका जो है ना अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें जो है ना इसमें जो ना करियर बना सकते हैं और अपने गांव, राज्य, देश का नाम हम रोशन कर सकते हैं। हम टाटा स्टील को धन्यवाद करेंगे जो हमको जो है ना इस तरह का आउटडोर लीडरशिप में जाने का मौका दिया, और सभी पूरा 40 बच्चों का तरफ से टाटा स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए ठीक है, और बने रहिए हम लोग का ब्लॉग में। मेरा चैनल का नाम है RS ब्लॉग्स, जो यूट्यूब है चैनल का नाम, उसमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और सबको अपना अपना अनुभव बताएं, बहुत ही अच्छा रहा। और जैसा लास्ट में सर बताएं, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था दर्शकों को। और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, बने रहिए मतलब। धन्यवाद।